विद्यार्थी मित्रांनो, आपण आज अनाथाची आई 10वीचा हा पाठ वाचन करणार आहोत आणि समजून घेणार आहोत. अनाथाची आई ही सिंधुताई सपकाळ यांची गाथा आहे. अनाथांची सेवा करणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्ता, अनाथ यानी यतीम बच्चों की सेवा करने वाली ये सामाजिक कार्यकर्ता है. ममता बाल सदन या संस्थेची स्थापना करून अनाथ मुलांचे सांभाळ करण्याचे समाज कार्य त्या करत आहेत. ममता बाल सदन नाम से उन्होंने एक संस्था स्थापन की है, जहां पर वो यतीम बच्चों को संभालती हैं. त्यांनी अनेक अनाथ मुलांना शिक्षण दिले. उन्होंने बहुत सारे गरीब बच्चों की तालीम दी, जगण्याची प्रेरणा दिली और जिंदा रहने की प्रेरणा दी. आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे समाजात मानाचे स्थान मिळवून दिले और सबसे बढ़कर उन्होंने समाज में उन्हें इज्जत का एक मकाम दिलाने की कोशिश की. मी वनवासी हे त्यांचे आत्मचरित्र प्रसिद्ध आहे. मैं वनवासी, वनवासी यानी जंगल के रहने वाले, ये उनकी स्वाहे हयात यानी कि बायोग्राफी बहुत ही ज़्यादा मशहूर हुई है. त्यांच्या सामाजिक कार्याचा गौरव म्हणून महाराष्ट्र शासनाने त्यांना अहिल्याबाई होळकर सावित्रीबाई फुले या पुरस्काराने सम्मानित केले आहे. उनकी सामाजिक खिदमत के एजाज में, गौरव यानी एजाज में, महाराष्ट्र शासन ने अहिल्याबाई होळकर सावित्रीबाई फुले इस एजाज से, इस इनाम से उन्हें इज्जत बख्शी है. तसेच सतपाल मित्तल नॅशनल अवॉर्ड व फाय फाउंडेशन यांचेही त्यांना पुरस्कार मिळाले आहेत. इसी तरीके से सतपाल मित्तल नॅशनल अवॉर्ड और फाय फाउंडेशन के भी इनामात से उन्हें नवाजा गया है. त्यांच्या जीवनावर आधारित मी सिंधुताई सपकाळ हा चित्रपट प्रकाशित झाला आहे. उनकी जिंदगी पर मुबनी मी सिंधुताई सपकाळ ये फिल्म भी इससे पहले प्रकाशित यानी शाये हो चुका है. सिंधुताई या लयबद्ध वक्तृत्वासाठी प्रसिद्ध आहेत. सिंधुताई ये बहुत ही बेहतरीन तकरीर के लिए मशहूर है. प्रस्तुत पाठात लेखिकेची प्रतिकूल परिस्थिती शिकण्याची प्रचंड जिद्द दिसून येते. इस सबक में सिंधुताई सपकाळ की पढ़ने की जो जिद है, तालीम हासिल करने की जिद है, वो नज़र आती है. मी सिंधुताई सपकाळ, सिंधुताई सपकाळ यहाँ पर हमसे मुखातिब है, हमसे बात कर रही हैं. मला लहानपणी सगळेजण चिंदी म्हणत. मुझे बचपन में सब लोग चिंदी कहते. चिंदी अभिमान साठे मेरा नाम था. माझा जन्म 14 नोव्हेंबर 1948 रोजी नवरगाव फॉरेस्ट येथे झाला. मेरी पैदाइश 14 नवंबर 1948 को नवरगाँव फॉरेस्ट में हुई थी. 14 नवंबर 1888 को भी हमारे मुल्क में एक अजीम शख्सियत पैदा हुए थे. क्या आप जानते हैं, 14 नवंबर को हम बाल दिवस भी मनाते हैं, यानी कि चिल्ड्रंस डे. ये हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू का यौम पैदाइश भी है. माझ्या वडिलांना अन्याजी म्हणायचे. आमचे घर छोटेसे पण छान होते. अंगणात गुरे गाई म्हशी होत्या. मेरे वालिद को अन्याजी कहते थे और हमारे घर बहुत ही छोटा था, बहुत ही अच्छा था. और आंगन में छोटे जानवर, गाय, भैंसे वगैरह थी. मी रोज म्हशी घेऊन शाळेसमोरून जात असे. मैं रोज भैंस लेकर स्कूल के सामने से, मदरसे के सामने से जाया करती. त्या शाळेचे नाव होते बुनियादी ग्राम शाळा पिंपरी मेघे आरवी रोड जिल्हा वर्धा. उस मदरसे का नाम था बुनियादी ग्राम शाळा पिंपरी मेघे आरवी रोड जिल्हा वर्धा. शाळा म्हणजे एक भला मोठा हॉल होता. स्कूल क्या था, एक बहुत बड़ा हॉल था. धान्य ठेवायला गोडाउन बांधता तसा, यानी अनाज का गोदाम जितना होता है वैसा ही था. वर कौल असलेला समोर एक छान भले मोठे चाफ्याचे झाड होते. ऊपर कवेलू थे. कवेलू ये पुराने ज़माने में मिट्टी से बनाए गए कवेलू हुआ करते. जब भारत में ज़्यादातर
टीन वगैरह का इस्तेमाल कम नहीं होता था। समोर एक छान भले मोटे चाफ्याचे झाड़ होते और सामने एक बहुत बड़ा चाफ्या का झाड़ था। त्याची टपोरी पांढरी शुभ्र फुले शाळेच्या अंगणात पडलेली असायची और उसकी सफेद फुले उस स्कूल के आंगन में पड़ी हुई होती। म्हशी घेऊन जाताना शाळेपाशी आले की मी म्हशी घेऊन शाळेपुढे थांबत असे। भैंस लेकर मैं स्कूल के करीब से गुजरती तो मैं स्कूल के पास थोड़ी देर रुक जाती। शाळेत जाणाऱ्या मुली चांगले कपडे घालून वेणी फणी करून शाळेसमोर खेळत असायच्या। स्कूल जाने वाली बच्चियां अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर और चोटियां लगाकर स्कूल के सामने खेलती हुई नज़र आती। काही जन जाड़ा काली बसून अभ्यास करत असायचे। कुछ बच्चे स्कूल के सामने बैठकर कुछ मश्क किया करते या फिर पढ़ाई किया करते। तेव्हा मला वाटायचे उस वक्त मुझे लगता आपन पण शाळेत जावे। मैं एकदा अन्याजीना म्हटले। मुझे भी ऐसा लगता था कि मुझे भी स्कूल जाना चाहिए। एक मर्तबा मैंने अपने वालिद से अन्याजी से ये बात कही। अन्याजी मला शाळेत जाऊन शाळा शिकायची और मैं अपने मेरे वालिद से कहा कि अन्याजी मुझे स्कूल में जाना है और स्कूल में सीखना है। चुलीपुढे बसून भाकरी करणाऱ्या आईने हे ऐकले आणि ती तरातर बाहेर आली और चूल्हे के पास बैठी हुई भाकरी यानी रोटी पकाने वाली आई ने यानी मेरी वालदा ने हे ऐकले ये सुना अंति तरातर बाहेर आली और वो जल्दबाजी में बाहर आ गई। चिंदे काय म्हणालीस? चिंदे क्या बोली तू? शाळेत जायचे, तुझे स्कूल जाना है और रोज मशी कौन सांभाळेल और रोज भैंसे कौन संभालेगा? आपल्या साठेच्या घराण्यात अजून कोणी शाळेची पायरी सुद्धा चढले नाही। हमारे साठे के खानदान में कोई स्कूल की कोई एक पायरी यानी एक स्टेप भी नहीं चढ़े। अन शाळेत जायची म्हणती शहानी और स्कूल जाने के बारे में कहती है। अन्याजी आईचे एकत होते। मेरे वालिद अन्याजी मेरे वालदा की सुन रहे थे पन काहीच बोलले ना होते। लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। मी रड़ायला लागले, मैं रोने लगी पन माझे कोणी ऐकत न होते। लेकिन मेरा कोई सुन नहीं रहे थे। माझे वडील म्हणाले, मेरे वालिद ने कहा, गप बस खामोश बैठ जाओ। त्यांना कोणी रडलेले आवडत नसे, उन्हें कोई रोता हुआ अच्छा नहीं लगता। माझे वडील अभिमान साठे, मेरे वालिद अभिमान साठे थे। नावाप्रमाणेच अभिमान वाटावा असे ते होते और नाम के मुताबिक ही जो अभिमान लगना यानी बेहतर लगना ऐसे ही वो थे। दूसरे दिवशी ते मला शाळेत घेऊन गेले। दूसरे दिन वो मुझे स्कूल में ले गए। त्यांनी माझे नाव शाळेत घातले, उन्होंने मेरा नाम स्कूल में डाल दिया। वयाच्या 9व्या वर्षी मी या शाळेत गेले। मेरी उम्र के 9वे साल में मैं स्कूल में गई। गावातले वंदिले गुरुजी मुख्याध्यापक होते और गांव के ही वंदिले गुरुजी वहां के मुख्याध्यापक यानी सदर मुदरिस हेडमास्टर थे। पांढरे शुभ्र धोतर सफ़ेद धोती थी, त्यावर नेहरू शर्ट और उस पे एक नेहरू शर्ट और डोक्यावर पांढरी टोपी और सर पर एक सफ़ेद टोपी पहने हुए असा त्यांचा पोशाख होता, ऐसा उनका पहनावा था। वडिलांनी माहिती सांगितली और मेरे वालिद ने मालूमात दी। वंदिले गुरुजींनी माहिती लिहिली। वंदिले जो गुरुजी थे उस्ताद थे, उन्होंने मेरी मालूमात लिखली। अन्याजींचा त्यावर अंगठा घेतला और मेरे वालिद अन्याजी का उस पर अंगूठा ले लिया आणि माझी शाळा सुरू झाली और मेरी स्कूल शुरू हो गए। शाळेत नाव घातले, मदरसे में स्कूल में मेरा नाम डाल दिया। तरी मशी सांभाळायला जावच लागायची, तब भी मुझे भैंसे लेकर जाना ही पड़ता। सकाळी शाळा भरायची वेळ मला घंटा एकू येत असे और सुबह मुझे स्कूल भरते वक्त घंटे की आवाज़ आती। मला शाळेत जावेसे वाटायचे, मुझे स्कूल जाना लगता
पण जाता येत नसे, लेकिन मुझे जाते नहीं आता था। सकाळी 7 ते 1 वाजेपर्यंत व नंतर 3 ते 5:30 पर्यंत अशी 2 वेळा शाळा भरायची। सुबह के वक्त में 7 से 1 बजे तक और दोपहर में 3 से 5:30 बजे तक 2 मर्तबा स्कूल भरा करती। सकाळची शाळा मला सापडत नसे, म्हशी चारायला गेले की शाळेजवळ खालच्या बाजूला जो छोटा डह होता त्यात म्हशी डुंबत बसत। मग मी 1 तास 2 तास निवांत होत असे तेव्हा शाळेचा राहिलेला अर्धा वेळ मी पाटीचा फुटका तुकडा आणि फाटके पुस्तक घेऊन शाळेत जात असे। मुझे स्कूल जाने का वक्त ही नहीं मिलता था। जब भैंसे चराने के लिए जाती तो स्कूल के करीब एक छोटा सा कुंटा था जिसमें पानी भरा होता। भैंस उसमें डूब कर बैठ जाती और मुझे 2-3 घंटे का वक्त मिल जाता और मैं वहाँ पर 1-2 घंटे बैठती और बचा हुआ वक्त स्कूल में गुजारती। अर्धा वेळ मी पाटीचा फुटका तुकडा आणि फाटके पुस्तक घेऊन शाळेत जात असे और मैं टूटी हुई तख्ती और फटी हुई किताबों के साथ स्कूल जाया करती। शाळा भरलेलीच असे और स्कूल भरा ही होता। काही मुले मोठमोठ्याने 1-2 असे पाडेसुरात म्हणत असायची। कुछ बच्चे जोर जोर से पहाडे पडा करते। तिसरी आणि चौथीला वंदिले गुरुजी शिकवत। तिसरी और चौथी को वंदिले गुरुजी शिकवते थे तर पहिली दुसरीला कांबळे गुरुजी शिकवत तो पहिली और दुसरी को कांबळे गुरुजी शिकवते थे। 4 कोपऱ्यात 4 वर्ग अशी रचना असे। 4 कोनों में 4 अलग अलग जमाते थी ऐसी उस स्कूल की रचना थी, तरतीब थी। मी वर्गात गेले, मैं स्कूल में गई कि मुले मुली म्हणत के बच्चे और बच्चियाँ लड़के और लड़कियाँ कहते गुरुजी चिंदी आत्ता शाळेत आली बघा। गुरुजी देखिए चिंदी अभी स्कूल में आई है। 4 कोपऱ्यात 4 वर्ग अशी रचना असे। वंदिले गुरुजी माझ्याकडे रागाने बघत पण कांबळे गुरुजींचे आश्वासक डोळे मला ना बोलता सांगता ये बस वर्गात। और वंदिले गुरुजी मुझे गुस्से से देखते, रागाने गुस्से से, लेकिन कांबळे गुरुजी मुझे भरोसा दिलाते, आश्वासक यानी भरोसा दिलाने वाले डोळे आँखें मला ना बोलता सांगत। वो मुझे ना कहते हुए भी कहते ये बस वर्गात, चलो आओ बैठ जाओ जमात में। माझ्यावर त्यांना खूप माया केली और मेरा उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मेरे ऊपर माया की यानी मुझे अजीज रखा। मी शाळेत उशिरा गेले तरी ते रागवत नसे। मैं स्कूल में अगर देरी से भी गई तो वो गुस्सा नहीं होते, त्याची उबदार माया नसती। अगर उनकी उबदार माया नहीं होती तर मी जे थोडीफार शिकले तेवढे ही शिकू शकले नसते। जो कुछ मैंने सीखी उतना भी मैं नहीं सीख सकती। आयुष्याच्या वैरान वाळवंटात जशी सावली असावी तशी मला गुरुजींची माया वाटायची। जिंदगी के सहरा में वाळवंट यानी सहरा रेगिस्तान में जो छाँव मिलती है वैसे ही मुझे कांबळे गुरुजी की माया लगती थी। गुरुजी पाटीवर ग म असे लिहून देत और गुरुजी मुझे तख्ती पर ग म ये लिखकर दिया करते। परत परत लिहायला सांगत, बार बार लिखने के लिए कहते। ते विचारत तू जेवलीस का, वो पूछते थे तूने खाना खाया, मला काय बोलावे ते कळत नसे और मुझे समझ नहीं आता कि मुझे क्या बोलना चाहिए। इसके बाद का हिस्सा हम इंशाल्लाह अगले वीडियो में पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तब तक कि आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए। इसके बाद का हिस्सा हम अगले वीडियो में हासिल करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय फॉर नाउ।